शिक्षा मंत्री के खिलाफ भाजयुमो का कलेक्टर पर प्रदर्शन, पुतला फूका, दिया ज्ञापन। राजस्थान प्रशासनिक सेवा चयन में शिक्षा मंत्री के परिजनों के लिए हुई धांधली के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के आह्वान पर आज झुंझुनू भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया एवं भाजयुमो जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ की अगुवाई में युवाओं ने प्रदर्शन किया। वह जिला कलेक्टर के समक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूककर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में धांधली कर प्रतिभाशाली युवाओं को पीछे धकेलने की कोशिश की है। इस प्रकार का घृणित कार्य जो कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री डोटासरा द्वारा किया गया है, उसके विरोध में राजस्थान का प्रत्येक युवा खड़ा है। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विशंबर पुनिया, जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष शिव कुमार जेवरिया, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष शौकत अली, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र छावसरी, महामंत्री रवि लांबा, दलीप सैनी, विजेंद्र हटवाल, उपाध्यक्ष महेंद्र सोनी आदि कई मौजूद रहे। जिस प्रकार से राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आरपीएससी की परीक्षा में अपने बेटे को और अपने बेटे के ससुराल वालों को अनैतिक तरीके से आरपीएससी पे दबाव बनाकर उनकी योग्यता न होने के उपरांत भी उनको इंटरव्यू में पास करवाया, ये राज्य के नवयुग के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा अन्याय है। जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा में राज्य की सरकार में कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की, उस समय अनेक वादे राज्य के युवाओं के साथ किए थे, लेकिन उन वादों को निभाना तो दूर, जब अपनी खुद की योग्यता पर कोई नवयुग परीक्षाएं पास करता है उनको भी पीछे धकेलना इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक, ये सरासर अन्याय है। इसका हम विरोध करते हैं और आज पूरे राजस्थान भर में युवा मोर्चा के बैनर तले प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर आज ये प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ है, जिसके अनुसार हमने आज यहाँ शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है।